एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आप लोगों के साथ में जो क्लिप मैंने शेयर की है, बहुत सारे कमेंट रहते हैं, भैया कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, आजकल गांव में हैं तो गांव में खेती का काम ही चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो भाई इनका भी दिखा देते हैं। वैसे आज आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइज़ हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और एक बात बोलूँ आप लोगों को, आज का जो वीडियो है ना, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है, इतना मज़ेदार वीडियो है, आपका मन खुश हो जाएगा वीडियो को देख करके। और मैंने सोचा चलिए आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना आज मैंने अपने आप को रेडी किया है क्योंकि बहुत दिन से बिल्कुल ऐसे हो रखा था ना, कानों में कुछ था और कानों में भी इयररिंग्स डाले, बस मैंने ना इनके वो लंबे वाली जो चेन थी वो निकाल दी है, गले में मंगलसूत्र भी डाल लिया है। पीछे को देख रही हूँ कहीं बंदर ना आए और फ़ोन ना ले जाए छीन करके। और आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था ना, वो वाला सूट पहना है। और आज नेल पेंट भी लगाया है, तो थोड़ा सा हमने अपने आप को तैयार किया है क्योंकि कई दिन हो गए थे और आज थोड़ा सा मन भी खुश है। वो खुशी भी आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी ही मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा खुश है मन, कभी होता है ना जब आप ज़्यादा खुश होते हो तो वीडियो भी अच्छा बनाने का मन करता है, तो आज की वीडियो वैसी ही है। प्लीज़ आप लोग, वैसे मुझे पता है आप लोग वीडियो को पूरा प्यार देते हो, वीडियो को एंड तक देखते भी हो, बट ये आदत हो गई है कि कहीं कुछ पॉइंट छूट ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, आप मज़ा ना ले पाओ, उसका कोई पॉइंट ना छूट पाए। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और सच में मज़ा आएगा आप लोगों को देख करके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज बनेगा भी कुछ ना अच्छा सा बनेगा, दोपहर में तो सिंपल सा खाना बनेगा, शायद मसूर और चावल बनाएंगे दोपहर के टाइम में, बट शाम के टाइम में आज बहुत बढ़िया वाली चीज़ बनाने वाले हैं। और कोई आने वाला भी है, उससे भी मिलवाएंगे आप लोगों को, उन्हें भी देख करके आप लोग खुश ही हो जाओगे, वो मुझे पता है, खुश हो जाओगे आप लोग देख करके। तो चलिए आज के धमाकेदार व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर दोपहर का खाना बन रहा है। दोपहर के खाने में हम बना रहे हैं मसूर और चावल, जो साबुत मसूर होती है ना वो वाली, छिलके वाली। तो यहाँ पर दाल रख दी है बॉईल होने के लिए और उसके साथ में बनाएंगे चावल। अभी चावल रख दिए हैं बनने के लिए, तो चावल बन गए हैं और अभी लगाना है दाल को तड़का। साबुत मसूर चावल और उसके साथ में अगर रायता हो जाए तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो सिंपल सा तड़का लगा लेंगे दाल को भी। जीरा डाल दिया है इसमें और कटा हुआ जो छौंक है वो भी डाल दिया है, और क्योंकि शाम में थोड़ा सा फिर हैवी खाना हो जाएगा तो इसीलिए सिंपल सा दोपहर के टाइम में मसूर चावल बना लिया था। और इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर अच्छे से गलने के बाद में फिर इसमें हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा सौंफ, धनिया पाउडर और कलर वाली जो मिर्च होती है लाल, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी डाल दिए, और जो मतलब तीखे के लिए डाली जाती है लाल मिर्च वो भी डाल दिया है, और फिर इसमें जो हमने दाल उबाल करके रखी थी वो डाल दी है। तो दोपहर का खाना हमारा तैयार हो गया है अभी। तो मैं यहाँ पर भाभी के सूट की कटिंग कर रही हूँ। मेरे जो सारे सूट हैं वो सिल चुके हैं फ़िलहाल, तो अभी मुझे ये क्या करना है, मुझे ना दो तीन अच्छे अच्छे से सूट लाने हैं जो कि मैं बाहर भी पहन करके जा पाऊँ अच्छे से। मतलब जितने भी सूट मैंने सिले हैं ये सब डेली यूज़ के लिए ठीक है। तो यहाँ पर ये सूट भाभी का है, ये रेड कलर का सूट है और उसके साथ में ब्लू कलर की सलवार है, और ये जो मैं चुन्नी मैंने सर पे रखी हुई ना, ये वाला दुपट्टा है इसका, बहुत प्यारा सूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो मेरा तो ख़त्म होगी सिलाई विलाई, अब भाभी की सिलाई जो है वो स्टार्ट हो गई है।
अभी टाइम हो गया है इवनिंग का, तो यहाँ पर भाभी झाड़ू लगा रही हैं और उसके बाद में जो है आज बनाएंगे हम छोले भटूरे, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। मैं तो नहीं बना रही हूँ, मैंने तो बनाए भी नहीं, मैंने आज तक छोले भटूरे ही नहीं बनाए हैं। तो भाभी यहाँ पर उसका छोंक जो है तैयार कर रही है। प्याज और टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्च ले ली है, मैं भी वहीं पर बैठ के थी और मम्मी बाहर को झाड़ू लगा रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गर्मी हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश होने के बाद में मौसम अच्छा खासा हो जाता है। पर यह है कि रात में अगर बारिश हो तो सुबह में फिर धूप निकल जाए। यहाँ पर जो छोले हैं वो भी बॉईल हो गए हैं और आलू इसके साथ में बॉईल किए हैं, और यहाँ पर प्याज और टमाटर को कट करके रख लिया है। तो सबसे पहले जो है वो छोलों को छोंक लगा देंगे, और हमारे घर में सिंपल से जो छोले होते हैं ना वो ही खाते हैं, ज़्यादा मसाले वाले या ज़्यादा तीखे, मतलब तीखा खाते हैं बट ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है छोले बनाए थे, बड़े टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं टमाटर डालने के बाद में, और गरम मसाला और थोड़ा सा जो है छोले मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है, मसाला तैयार कर लेना है, और फिर इसमें 2 आलू 2 या 1.5 के करीब आलू मैश करके डाल दिए हैं, ताकि जो छोलों की तरी है वो थोड़ी सी ना अच्छी हो जाए, मतलब टाइट टाइट सी हो जाए। और बस इसमें फिर डाल दिए हैं थोड़े से छोले, इसमें मैश करके डाल दिए हैं, बहुत थोड़े से, 1 कटोरी छोले लिए थे जो कि इसमें मैश करके डाल दिए हैं। बस ये जो तैयार हो गया है, अब इसको खदका लेना है, अच्छे से उबाल लेकर के आना है। तो छोले छुक चुके हैं और यहाँ पर अभी डो लगा रहे हैं भटूरों का। तो यहाँ पर मैदा को कोई भी चीज़ लो, आप सूजी लो, मैदा लो, बेसन लो, उसको पहले अच्छे से छान लेना चाहिए, चाहे जितना भी साफ हो बट उसको छान लेना चाहिए। इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाली है, और बस सूजी डालने के बाद में और एक इनो का पैकेट डाल दिया है, उसका डो लगा करके रख देंगे, क्योंकि जो भटूरों का जो आटा है उसको पहले ही लगा करके रखना होता है, कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट देना होता है। तो इसको लगा के इस पर थोड़ा सा गीला सा कपड़ा ढक करके इसको रख देना है। यहाँ पर अभी भाभी काट रही है सलाद, तो प्याज और खीरे ले लिए हैं, क्योंकि अगर भटूरे हैं छोले भटूरे तो उसके साथ में सैलेड ना हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर प्याज और खीरों को काट लिया, मैं इनको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ, ताकि जो है वो प्याज की स्मेल भी चली जाए। पहले भी एक बार देखिए, इस घर में सब्जी आती है, घर में सब्जी आते ही धुलती है, फिर जब बनाते हैं उससे पहले भी धुलते हैं, और जब काट छील लेते हैं उसके बाद में भी धुलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई का वैसे ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ, क्योंकि भटूरों के साथ में वो फ्राइड आलू होते हैं ना, वो वाले मैं यहाँ पर बनाऊँगी। हमने सोचा बिल्कुल ही इस तरीके से बनाते हैं जैसे हम बाहर जा कर के खाते, तो छोले बन करके तैयार हो गए हैं। और अभी मैं इसके साथ में जो फ्राइड आलू हैं उनको बना लूँगी। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया है कढ़ाई में, वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाला है, और फिर इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी हींग। इसमें टमाटर ना ही प्याज और कुछ नहीं जाता है, सिंपल बनते हैं बिल्कुल। सौंफ, धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है हल्दी और मिर्च, बस थोड़ी सी कलर के लिए लाल मिर्च डाल दी, और उसी में इसको फ्राई करना है, मतलब मसाले में, ये जो हमने मसाले लिए हैं इसी में इसको भूनना है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 2 से 3 मिनट इसको मैं यहाँ पर रखूँगी, जो कि मसाले हैं वो सारे आलू में अंदर तक चले जाएं। और 2-3 मैंने ना हरी मिर्च ले ली है, लंबी लंबी काट दी है, वो डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है, तो ये आलू जो हैं वो बन करके तैयार हो जाएंगे। और अभी जो है भटूरों के साथ में वो लंबी लंबी हरी मिर्च दी जाती है फ्राई की हुई, मतलब मसाले में फ्राई की हुई, तो मैं यहाँ पर वो तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने जीरा डाला, सौंफ, धनिया और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी, और बस ये लंबी लंबी काट करके लाल मिर्च इसमें डाल दी, और ऊपर से डालना है इसमें काला नमक। काले नमक का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो काला नमक डाल देना है, और थोड़ी सी देर के लिए इनको पका लेना है, ताकि सारे मसाले जो है वो हरी मिर्च में हो जाए। बिल्कुल थाली तैयार होगी बन करके, बिल्कुल जैसे बाहर के छोले होते हैं ना, छोले भटूरे
भटूरे वो वाले सारे डब्बों को मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी इसमें, क्योंकि सामान यूज़ करते हैं, डब्बे यूज़ करते हैं तो गंदे हाथ लग ही जाते हैं, तो जब भी आप उनको यूज़ कर लो तो दोबारा से उनको साफ़ कर करके रख दो तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो हरी मिर्च को भी मैंने एक कटोरी में डाल दिया है ताकि कढ़ाई खाली हो जाए। इसमें बनाएंगे फिर हम भटूरे, सारी चीज़ तैयार है, सलाद, छोले, हरी मिर्च, आलू, तो सारी चीज़ तैयार हो गई है, बस भटूरे रह गए हैं। एक नई रीत नहीं निकालते, भटूरा भटूरा विद भिंडी। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं खाने में छोले भटूरे, और बिल्कुल जैसे मम्मी रायता और बनाता है ना, सुबह याद नहीं करा, हम दोपहर में सारी दही पी गए, वरना इसके साथ में रायता भी होता है। और हरी मिर्च को भी छोंक लगाया है, हरी मिर्च को भी तड़का लगाया है, जैसे वो छोले भटूरे वाले देते हैं ना उसके साथ में मिर्च वो भी, और फ्राइड आलू फ्राई करके सिंपल बिल्कुल, और छोले उसके साथ में भटूरे, रायते का भी देखते हैं जुगाड़ पानी करके। तो आज हमारा शाम का जो खाना है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है। भटूरे भटूरे रह गए ना, बस बस भटूरे रह चुके हैं, सारा काम हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है। अब जब हम गर्मा गर्म भटूरे खाएंगे, जब हम गर्मा गर्म भटूरे उतारेंगे, हमें नहीं आते, मुझे भटूरे बनाने नहीं आते, पर आज मैं भटूरे बनाने भी सीख लूँगी। क्यों मातेश्वरी, आप जा रहे हो? ओके, जाइए आप। तो अभी जो है ये आए हैं चंचल, आप लोग देख ही सकते हो, ऐसे बैठ गई है गोदी में चढ़ कर के और हिल भी नहीं रही है पूरा, मतलब पूरा प्यार इसने इनको किया है। अभी आए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कहीं गए थे और हमें कल कहीं पर जाना है तो इसलिए ये आए हैं। और मांटू ने गुड़िया बनाई थी वो भी दिखा रही थी, और चंचल जी अपना पूरा वो दिखा रही थी कि कितने दिन बाद आए हो, ये अपने घर पर थे, आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि कहाँ हैं भैया कहाँ हैं, तो ये अपने घर थे। तो इसमें चाट मसाला डाल दिया है सलाद में, थोड़ा सा काला नमक डाला है और एक नींबू इसमें जो है वो निचोड़ देना है, तो सलाद हमारी तैयार हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो भटूरे जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही भटूरे फूल रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से। तो एक एक गरम गरम भटूरा हम सबको साथ के साथ में खिला देंगे। तो थाली हमारी तैयार है, आप लोगों का भी शायद मन कर रहा होगा छोले भटूरे खाने का, तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए, बस झटपट से चलिए जल्दी जल्दी सारे। और भाभी उतारी, मुझे तो आते ही नहीं आप लोगों को पता है, बट मैं सीखूंगी इनको भी बनाना, आना चाहिए सब चीज़। तो यहाँ पर सब लोगों की साथ के साथ में मम्मी थाली लगाती थी, क्योंकि ये गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल नहीं खाए जाते। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं बाहर ही और सब लोग अभी खाना पीना खा रहे हैं, तो मांटू को भी दे दिया है मैंने, भैया को भी दे दिया है, अब इनकी भी थाली लगा देंगे। और बहुत मतलब आगे का जो वीडियो है प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आज हमने बनाए थे छोले भटूरे, सब लोगों ने खा पी लिया है, और अभी हम आप लोगों के साथ में ना, मैं और भाभी दोनों के दोनों साड़ी पहनेंगे और तैयार होंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है शादी वादी में नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं, पर ये लॉकडाउन लगा है ना, घर में लोग बाग तैयार होना ही भूल गए हैं, सारे कपड़े सब कुछ ऐसे ही रखा है। तो मैं और भाभी भी बैठे ही थे तो हमने सोचा चलो दोनों साड़ी पहनते हैं और दोनों अच्छे से तैयार होते हैं, मेकअप सेकअप करते हैं थोड़ा सा, शादी नहीं हो तो क्या हुआ, घर में ही तैयार हो लेंगे। तो अभी हम दोनों के दोनों साड़ी पहनेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, फिर आप लोग बताना सुंदर कौन सी लग रही। मैं तो लगूंगी नहीं, हाँ साड़ी कौन से की सुंदर लगे, साड़ी नहीं दिखाऊंगी मैं अभी आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से तैयार होके तब आप लोगों को दिखाएंगे। और आज यही आप लोगों के लिए स्पेशल था, दोनों ननंद भाभी तैयार होके कैसी लग रही हैं, वही प्रॉपर तैयार होंगे, अच्छे से मेकअप सेकअप करेंगे, सेट वेट पहनेंगे, साड़ी वाड़ी पहनेंगे। हमने घर वालों को भी डरा दिया, पापा को और इनका, मैंने कहा हम पार्टी में जा रहे हैं, रात को जन्मदिन है वहाँ पे जा रहे हैं,
यकीन भी आ गया था इन लोगों को, पर फिर ये समझ गए नहीं, ये कुछ वीडियो की कारस्तानी करने वाली है। तो चलिए अभी तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद मैं आप लोगों से मिलेंगे। सो गाइज, अभी हम जो है वो तैयार हो गए और हम खुद ही हंस रहे हैं। मतलब क्यों, मतलब हम इतने हबूब भर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ ही नहीं पता। थाली बैठे अपना तैयार हो लिए और हमारी भाभी जी भी तैयार हो गई हैं। आ जाओ इधर को, आओ इधर को। नरेंद्र भाभी आज हम रेडी हैं, निकलो फिर चले चलो हैं। अब हमें शादी में कोई मम्मी कहीं हो भी रहे होगी घुस जाएंगे हम तो, हमें कोई इनकार नहीं करने का। काफ़ी टाइम हो गया शादी को करे, लॉकडाउन की वजह से। हाँ कहीं गए भी नहीं। तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी और हमारी कविता जी ने, अब मैं कविता की दिखाऊंगी, कविता मेरी दिखाएगी पूरी साड़ी, है मम्मी अदला बदली भाई। तो कैसे लग रहे हैं हम दोनों कार्टून बेफालतू में तैयार होकर के बैठे हैं। हम भी कार्टून होते हैं, हम तो नहीं कार्टून खुद सकते हैं। देखे हीरोइनों से कम नहीं लग रहे कतई भी। हाँ देखे चमक रहे कतई, ऐसे हो रहे जन हम शादी में निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। रेडी है ऊंच नीच कोई से की नहीं अच्छे लग रहे ना। और मेकअप नहीं किया हमने कुछ भी दोनों ने, बिल्कुल लिपस्टिक लगाई है और हाँ थोड़ा सा टीका सीका लगा करके खड़े हैं। हमें खुद भी हंसी आ रही है, तो बहुत सारा इतना सारा फैलावा फैला दिया और दोनों हम तैयार हुए, टाइम लगाया। हाँ मांटू भी है, मांटू भी हमारी पार्टी में ही शामिल है। और आज हमारे चौधरी साहब भी आए, हमारी वीडियो बना दो दोनों की, फुल फुल वीडियो बना दो हमारी। कितने दिनों बाद तुम्हें देख करके लोग खुश हो जाएंगे। देखिए एक ही मानस भी आए हैं, रात हो रही है बाहर। नहीं पंखा चलाओ भाई, गर्मी में नहीं रहने के। अभी तो चाय बनेगी, छोले भटूरे, आज तो पार्टी सी होगी मम्मी वैसे, है नहीं? छोले भटूरे खाए, अच्छे से तैयार हो गए। चलो कर लो कहीं से गाड़ी ना, चलो काफ़ी टाइम मिलते हैं। हाँ पार्टी पार्टी होनी चाहिए थी वैसे, कुछ होता ठंडा गर्म। 10 तारीख में हमारा बर्थडे भी आ रहा है 10 जून को। हाँ तो पहले ही तो बताऊंगी, सबको पता भी तो होना चाहिए हमारा बर्थडे आ रहा है। चलो फिर तो बाबा। तो अभी यहाँ पर हम लोग तैयार हुए हैं और खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारी हंसी मजाक कर रहे हैं और अपने ही मतलब उसमें वो हो रहे हैं कि हम ये हमने ये सब क्यों किया, बट बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोग कहीं बाहर जाओ या दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कैसे लग रहे हैं। अपने आप में भी जब आपका मन हो तो तैयार हों, अच्छे से रेडी हों। और भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मतलब हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रेडी होकर के दोनों हंस भी रहे थे और तैयार हुए, काफ़ी इंजॉय किया। हमें रात के 12:30 एक के करीब बज गया था, मतलब हम लगे हुए थे दोनों के दोनों। हमने कहा नहीं आज हम मौका नहीं छोड़ेंगे, आज हम अपना पूरी भड़ास निकालेंगे पूरी लॉकडाउन की। पूरा लॉकडाउन ऐसे ही घर में बोरियत से बीत गया, तो मैंने कहा चलो आज साड़ी पहनते हैं, अच्छे से मेकअप करते हैं, दोनों रेडी होते हैं। और बहुत सारे तो हमने फ़ोटो खींचे, हमने इतने सारे फ़ोटो खींच डाले दोनों ने, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज अभी हमने तैयार वैयार हो गए हैं, अभी निकालेंगे हम कपड़े, सुबह में हमें कहीं जाना भी है तो जल्दी ही सब लोग बाहर सो रहे हैं। अभी कपड़े निकालेंगे, भाभी बना रही है चाय। आप लोगों के साथ में दोनों का मेकअप लुक शेयर करना था, थोड़ी सी मेहनत तो लगी देखिए, क्योंकि सारा तामझाम निकाला बहुत कुछ, बट कभी कभी ये सब चीज़ें करना भी अच्छा लगता है। बस आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, मतलब आप लोगों को बिल्कुल मेकअप सेकअप नहीं किया, बस साड़ी पहनी है। और इन सेटों की आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, तो दोनों ने एक एक सेट डाल लिया था। इन्हें ना फेंगे भाई ना मैं सिंगवाऊंगी, वो सारा तामझाम अभी ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारा सामान मुझे हटाना है। मैंने सोचा चलिए पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद में सब चीज़ें संगवाते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, छोटा सा ही सही बट कमेंट ज़रूर लिखिएगा आप लोग, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। चलिए फिर हम तामझाम निकाल लेते हैं
और आज अच्छी खासी पार्टी सी हो गई क्योंकि ये भी आए हुए हैं और मेकअप भी हो गया, साथ में छोले भटूरे भी हो गए। और इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं, चलो दोनों मिलके करते हैं आज वीडियो का एंड। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करने को बोल दे, चलो आज तू ही बोल दे। अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी अपना तम हम निकालते हैं।